बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 लाख के इनामी नक्सली समेत 7 गिरफ्तार हुए हैं। कैंप्स के अध्यक्ष इनामी महिला नक्सली भी गिरफ्तार हुई। बता दें छुटवाई नदी के किनारे से ये नक्सली पकड़े गए हैं। पकड़े गए नक्सली कई वारदातों में शामिल रहे हैं। तो नक्सलवाद का खात्मा लगातार छत्तीसगढ़ में जारी है और इसी खात्मे के बीच आप देख रहे हैं लगातार गिरफ्तारियां बड़ी संख्या में नक्सलियों की हो रही है। 7 गिरफ्तारियां हुई हैं जिसमें महिला नक्सली भी शामिल है, साथ ही साथ इनामी नक्सली भी इसमें शामिल है। बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को, क्योंकि लंबे वक्त से गिरफ्तारियां सुरक्षा बल कर रहे हैं नक्सलियों की, वो भी इनामी नक्सलियों की। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए तत्पर जो है जवान भी हैं, सरकार भी है और लगातार मुहिम भी चलाई जा रही है। खात्मा हो भी रहा है, बड़ी संख्या में सरेंडर भी नक्सली कर रहे हैं और आप ये भी देख रहे हैं गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, साथ ही साथ कई नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर भी किया है। तो ये 7 नक्सली हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है और इन पर शिकंजा कसा गया है। ये टेलीविजन स्क्रीन पर आप नाम भी देख रहे हैं, पुनेम हड़बा, सोडी भीमा गिरफ्तार हुए हैं, विट्टी भीमा, सोडी जोगा गिरफ्तार किया गया है। ये वो नाम है नक्सली, तामो भीमा, ज्योति गिरफ्तार हुए हैं। और रायपुर में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल 9 जिलों में भारी बारिश की संभावना है, आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। जी हां, जशपुर, बेमित्रा, बालोदा बाजार के लिए अलर्ट जारी हुआ है। जांजगीर, सख्ती, रायगढ़ के लिए अलर्ट जारी हुआ है। सरगुजा, बेमित्रा के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में भारी बारिश, साथ ही साथ कई जगह पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम का मिजाज तो वैसे बदल चुका है पूरे छत्तीसगढ़ में, पर अब भारी बारिश की संभावना है, साथ ही साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत, उमस भरी गर्मी से राहत, तो दूसरी तरफ किसान राहत महसूस कर रहे हैं, खुश महसूस कर रहे हैं अपने खेतों के लिए, तो वहीं डर भी किसानों के लिए, क्योंकि खेत में बुवाई का समय भी होता है और इस समय कई बार बिजली भी गिरती है और कई सारे किसान जानवर चपेट में भी आते हैं। और बलरामपुर में फील्ड ऑफिसर ने 114 लोगों के नाम पर, लोगों ने यहां पर लोन लिया और 35 लाख का गबन कर फरार हो गया। फील्ड ऑफिसर इन्फ्रो फाइनेंस लिमिटेड कंपनी में काम करता था और इसने लोन के नाम पर ठगी की, फिर रकम लेकर चंपत हो गया। वाडफ नगर पुलिस ने इसे इस मामले में केस दर्ज किया है और आरोपी की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई। आरोपी द्वारा गांव में जाकर महिलाओं को छोटे छोटे समूह बनाकर लोन दिलवाने का काम करता था। लोन दिलवाकर 50,000 का लोन दिलवाया, 5,000 देकर बाकी पैसा खुद रखकर बोलता था किस्त को मैं पटा लूँगा। 2022 से नियुक्त था, 30 मई 24 को रिजाइन दिया। रिजाइन देने के बाद पता चला करीब 60-70 समूहों का किस्त बाकी है और करीब 35 लाख रुपये का गबन लेकर फरार हो गया है। इसके लिए फायर किया गया है, आरोपी के पता तलाश। नवदरी में मानसिक रूप से बीमार नाबालिग को बिना वजह बदमाश ने चाकू मार दिया। आनंद फानंद में नाबालिग को अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चाकूबाजी की इस घटना को लेकर शहर में चर्चाएं हैं और लोग पुलिस से विशेष अभियान चलाने की मांग भी कर रहे हैं। मृतक रोशन पटेल को एक अपचारी बालक के द्वारा जो है चाकू मार दिया गया था किसी कारणवश, जिसको इलाज हेतु शिवनंदा हॉस्पिटल लाया गया था जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। जांच पंचनामा कार्रवाई होने के बाद सब को पीएम रिपोर्ट के लिए पीएम के लिए भेजा गया है। दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने यूपी से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर युवती की दोस्ती यूपी के युवक से हुई थी। युवक ने नाम बदलकर युवती को फॉलो किया और मोबाइल नंबर भी ले लिया। एक दिन आरोपी
इश्तियाक युवती के घर पहुंचा, दुष्कर्म करने के बाद फरार हो गया। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने इश्तियाक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अंबिकापुर में पति ने पत्नी की हत्या कर शव को दफना दिया। इसके बाद पत्नी के लापता होने का नाटक करने लगा। लड़की के घर वालों ने इसकी शिकायत की, तब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की और मामले का खुलासा हुआ। सीतापुर थाने के डोंडा गांव सिहार जोर का यह मामला है। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद को लेकर पति ने हत्या की थी। एक माह पहले पति पत्नी में कुछ सामान्य पारिवारिक विवाद हुआ था। मामला ये था कि पत्नी जो थी वो शराब पी करके बाहर आंगन में सोई हुई थी और पति को खाना लेने देने की बात को लेकर के विवाद हुआ। तत्पश्चात पति ने जो है पत्नी को दो चार हाथ मार दिया, जिससे कि पत्नी गिर करके बेहोश हो गई और फिर उसमें सवेरे नहीं उठी। तत्पश्चात पति जो था उसने ये जानते हुए कि ये मर गई है, उसकी बॉडी को जो है वो अब घर से दूर में एक सुनसान इलाके में जा कर के जो है वो दफना दिया। तत्पश्चात पुलिस ने इसमें पतासाजी की और पतासाजी करने पर ये पता चला कि पति जो है वो पत्नी को मार करके उसकी हत्या करके गड़ा दिया है और इसमें पुलिस ने जो है FIR रजिस्टर करके उसके पति को गिरफ्तार करके। बलरामपुर में पिछले 3 महीने से सरकारी राशन न मिलने से लोग परेशान हैं। लोगों ने PDS दुकानदार पर कालाबाजारी के आरोप लगाए। लोगों की शिकायत के बाद खाद्य विभाग ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। पंचावल गांव का यह मामला है। सभी को चना 4 महीने से यहाँ नहीं मिल रहा है, जो कि अगल बगल गांव में सभी जगह के सेल्समैन लोग दे रहे हैं राशन के साथ चना, लेकिन यहाँ पचावल पंचायत में नहीं दिया जा रहा है। अवल में जो PDS दुकान से चना वितरण की शिकायत आई है वो आपके माध्यम से हमें मिली है, उसमें संचालक के ऊपर जांच की जाएगी, उसके बाद कार्रवाई प्रस्तुत की जाएगी। जांजगीर चांपा के बस स्टैंड में बदमाशों का कब्जा है। पिछले 24 साल से स्टैंड में बस नहीं पहुंची। बस स्टैंड में किसी तरह की सुविधा नहीं है, इस वजह से कोई बस लेकर नहीं आता, इस वजह से यात्री भी नहीं आते। नगर पालिका ने बिजली की व्यवस्था की थी, साथ ही पंखे भी लगाए थे, लेकिन सब चोरी हो गए। स्टैंड में ट्रकों का जमावड़ा लगा रहता है। इनके अलावा असामाजिक तत्वों ने जरूर यहां पर डेरा बना लिया है। नगर पालिका ने 25 लाख की लागत से साल 2000 में बस स्टैंड का निर्माण किया था। जांजगीर नैला नगर पालिका अंतर्गत नया बस स्टैंड का निर्माण 25 लाख रुपए के लागत राशि से 24 वर्ष पहले किया गया था, जहां केवल शराबियों का अड्डा है। हम दिखा सकते हैं आपको किस तरह की यहां शराब सेवन की जाती है, जहां पे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है ये सिर्फ शराबियों का अड्डा बना हुआ है। अभी तक नगर पालिका के उदासीनता या जिम्मेदार लोगों की उदासीनता के कारण यहाँ बस की ठहराव नहीं होती है, जिस कारण यह बस स्टैंड पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया है। और 25 लाख रुपए के बने यह बस स्टैंड 24 वर्ष से इंतजार में बस की इंतजार में तरस रही है कि कब यहाँ बस का स्टॉपेज हो, यहाँ जो बने व्यावसायिक परिसर हो उसका संचालन हो, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। तो हम कुछ यात्री से भी बात करते हैं जो बस का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे, और कहाँ जाना है आखिर भाई आप बताएंगे कहाँ जाना है और कितना समय से आप बस का इंतजार कर रहे हैं? मेरे को 1 घंटा हो गया मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे को पामगढ़ जाना है, लेकिन यहाँ पर बस नहीं रुकता और बस की असुविधा के कारण यात्रियों को परेशानी होता है, जिसके वजह से बस जो स्टैंड है वो खंडहर में तब्दील हो चुका है और यहाँ शराबियों का भी अड्डा बन चुका है। तो यहाँ यात्री इस कदर परेशान है बस के इंतजार करने के लिए, उनको बाथरूम का जो है उपयोग नहीं मिलता, यहाँ नहीं है शौचालय, इस कारण से यात्री बहुत परेशान होते हैं। जिस तरह देख सकते हैं कि यहाँ पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, गंदगी पसरा हुआ है, यहाँ पूर्ण रूप से असामाजिक तत्व का डेरा है और जो है यह बस को जल्द से जल्द यहाँ बस आए, जिससे व्यवसायिक परिसर को संचालन करने में सुविधा मिले, व्यवसायियों के लिए लोगों को सुविधा मिले। कैलाश कृष्ण, न्यूज 18, जांजगीर चांपा। जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो किसी गांव की तस्वीर नहीं है, ये राजधानी रायपुर से महज 22 किलोमीटर दूर इस जर्जर स्कूल का हाल होश उड़ा देगा। स्कूल में दरख्ती दीवारें, छत से गिरता प्लास्टर, यहां तक कि स्कूल के टॉयलेट को बनवाने के लिए 10 साल से स्कूल की प्राचार्य जंग लड़ रही है। देखिए खास रिपोर्ट। शिक्षा विभाग का नारा है सब पढ़ें सब बढ़े, मगर किस तरह बच्चे अगर स्कूल में आते हैं तो वो कैसे भविष्य गढ़ें
और ये आप खुद देख लीजिए, ये स्कूल की तस्वीर है, बरसों से ये स्कूल दरक रहा है। किसी दूर दराज की जगह की तस्वीर नहीं है ये, राजधानी रायपुर से सिर्फ 22 किलोमीटर दूर चौरा का प्राथमिक स्कूल है। दरकता सिसकता बदहाली पर आंसू बहाता, टीचर मजबूर हैं, बच्चे बेबस हैं, सबका एक ही दर्द। बोले यहाँ पर क्लास नहीं लगाइए, फिर भी हम लोग किसी कारण से लगाते थे, बच्चे कहाँ रहेंगे, बड़ी बिल्डिंग नहीं है यहाँ पे। तो अभी तो मकान ये बन गया, अपना स्कूल बन गया है, पर हैंडओवर नहीं हुआ है। हैंडओवर का इंतजार है जी हाँ, पर हम लोग उसमें लगा रहे हैं क्योंकि अपने पास जगह नहीं है। इस खतरे से बचाने के लिए नया भवन तो दे दिया गया, लेकिन हैंडओवर नहीं मिला। आखिर बदहाल स्कूलों की हालत दिखाई क्यों नहीं देती? इस मर्म पर हर बार जिम्मेदार आश्वासन का मरहम लगाते हैं, सरकारी फाइलों में दम तोड़ते रहते हैं बच्चों के सपने। राजधानी रायपुर के 72 ऐसे स्कूल हैं जिनको तत्काल डिसमेंटल करके बनाने की ज़रूरत है। 20 ऐसे स्कूल हैं जहां पर बिल्कुल भी जो कक्षाएं नहीं लगेगी, ऐसा आदेश जारी किया गया है। इस स्कूल के टॉयलेट की हालत देखिए, जिसे बनवाने के लिए भी एक जंग लड़नी पड़ रही है। शौचालय नहीं है और इसके लिए मैं 10 साल से प्रयास कर रही हूँ सर, और एप्लीकेशन भी कई बार दे चुके हैं। अब उस दिन हम लोग बैठे थे, छज्जा से गिरा अपने ऊपर सीमेंट गिरा। इसके लिए प्रसाद शासन के पास गया हुआ है सर, शासन से स्वीकृत होने के पश्चात ही सब कार्य होगा। आखिर शिक्षा विभाग कब नींद से जागेगा? दुनिया चांद पर पहुंच रही है और इस बदहाली की तस्वीरों ने सपनों को ही धराशायी कर दिया। प्रदेश के अधिकांश जिलों में जर्जर स्कूलों की संख्या कमोबेश यही है, और यही वजह है कि प्रदेश के बच्चे जर्जर और जीर्ण शीर्ण स्कूल में अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। अब जरूरत इस बात की है कि जो जवाबदार अधिकारी हैं, विभाग के मंत्री हैं, उन्हें ध्यान आकर्षित करना होगा और कोई बड़ी अनहोनी ना हो इससे पहले भवन को मरम्मत करना पड़ेगा। बच्चों की ये गुहार सुनिए, हमें खिलौने मोबाइल नहीं, क्लासरूम चाहिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी बीच मध्य प्रदेश का जिक्र करते हैं, जबलपुर की बात करते हैं। दो ट्रकों की भिड़ंत हुई है, भीषण आग लगी, एक ट्रक ड्राइवर की जलकर मौत हो गई, दूसरे ट्रक का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है, घायल ड्राइवर का अस्पताल में इलाज जारी है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच भी शुरू कर दी है। तो बड़ा हादसा जबलपुर का हम बता रहे हैं आपको, जहां पर दो ट्रकों की भिड़ंत हुई और ये भीषण आग लग गई और आग का गोला ये ट्रक बन गया। तस्वीरें आप देखिए, एक ट्रक तो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया और साथ ही साथ इसमें एक ड्राइवर की जलकर दर्दनाक मौत हो गई, दूसरे ड्राइवर का इलाज जारी है, गंभीर रूप से वो झुलस चुका है, घायल है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई हैं जबलपुर से, जहां पर ये भीषण हादसा हुआ, दो ट्रकों की भिड़ंत हुई, उसके बाद ये भीषण आग लग गई, देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप ले लिया, पूरी तरह से बस को अपनी चपेट में ले लिया, ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया और आग का गोला ये ट्रक बन गई। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी पवन पटेल जुड़ गए हैं। पवन, हादसे की तस्वीरें हम देख रहे हैं, आग की तस्वीरें देख रहे हैं, कैसी स्थिति है ड्राइवर की और क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? घटना जो है ये बरेला के हाईवे में हुई है, शारदा मंदिर के पास, जिसमें एक ड्राइवर की मौत हो गई जबकि दूसरा ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया था और ट्रक में फंस गया था, जिसे बाहर निकाला गया है। ये वीडियो वायरल होने के बाद में जानकारी मिली कि ये उत्तर प्रदेश से एक ट्रक आ रहा था और एक ट्रक जबलपुर से दूसरे साइड जा रहा था। फिलहाल घायल ड्राइवर की स्थिति खतरे के बाहर बताई जा रही है, वहीं मृतक जो ड्राइवर था उसके शव का पोस्टमार्टम करा के उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। इसके साथ ही हाईवे पर सुरक्षा को लेकर के एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है कि ताकि हाई स्पीड गाड़ियां, ट्रक या बड़े वाहन जो हैं, उनकी स्पीड कम कराई जा सके और ऐसे हादसों को रोका जा सके। जी जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जानकारी को साझा करने के लिए। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020।